मैं क्रैक मूवी की रिव्यू की अगर बात करूँ इन सिंपल वर्ड्स, मैं वापस यही कहूँगा कि द मूवी इज आउटस्टैंडिंग, स्टुपेंडस. आई विल गिव फुल 5 stars आउट ऑफ 5 stars इस मूवी को. एंड विद्यु जमवाल इज अगेन टेकिंग द एक्शन टू नेक्स्ट लेवल. एंड व्हेन इट कम्स टू स्टंट्स एंड एक्शन ही इज अनमैचेबल, एटलीस्ट अगर हमारी देश की अगर बात करें. कोई भी एक्टर मेरे को उनके जैसा स्टंट्स परफॉर्म करते मेरे को नहीं दिख रहा. हैंस आई विल ऑलवेज से अगर विद्यु जमवाल जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा फुल सपोर्ट आपके लिए है. एज अ फैन, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स एंड आई ऑलवेज वॉच्ड ऑल ऑफ योर मूवीज इन थिएटर्स, बी इट फर्स्ट डे फर्स्ट शो और सेकंड डे सेकंड शो या सेकंड डे फर्स्ट शो, हमेशा मैं देखता हूँ. हे गाइस, आज मैंने क्रैक मूवी देखा थिएटर्स पे और उसी के बारे में अपना रिव्यू देने वाला हूँ. गाइस अब मेरी बीवी अगर मुझे कुछ बुरा कह दे तो मेरे को उतना बुरा नहीं लगता जितना कि विद्युत जमवाल का फिल्म बॉक्स ऑफिस पे उतना धमाल नहीं मचा रहा है, ये देखकर मेरे को इतना दुख लग रहा है. बिकॉज मैं विद्युत जमवाल का एक डाई हार्ट फैन हूँ. उनकी हर मूवी मैं थिएटर में देखता हूँ और उन्हें अपना सपोर्ट करता हूँ. अपना ड्यूटी तो मैं करता हूँ एज अ फैन. और जब उनकी मूवी इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर बॉक्स ऑफिस में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है तो मेरे को दुख होता है एज अ फैन. तो विद्युत जमवाल के सारे फैंस कहूँ या जनरल ऑडियंस कहूँ, हमेशा कहते हैं कि सपोर्ट आउटसाइडर वगैरह वगैरह करके. बट फैक्ट यही है कि उनके फैंस हो या जनरल पब्लिक हो, सिर्फ टैलेंट को सोशल मीडिया तक ही सपोर्ट करते हैं और जब बात आती है थिएटर पे जाके सपोर्ट करना तो वो नहीं करते हैं. और अगर आप एनिमल, टाइगर, लाइगर, वुल्फ इन सभी को देख सकते हो तो ज़रूर क्रैक मूवी को भी आप ज़रूर थिएटर पे जाके देख सकते हो. और मूवी की अगर बात करूँ तो एवरीथिंग वॉज आउटस्टैंडिंग और जो एक्शन जो विद्युत जमवाल जी ने पुल ऑफ किया है, इट्स क्वाइट अमेजिंग, स्टुपेंडस, फैंटेबुलस, जितने भी एडजेक्टिव्स कहूँ इंग्लिश में, सिनोनिम्स कहूँ वो कमी होगा, तारीफ की ऊपर है जितना भी एक्शंस दिखाए गए हैं मूवी में. इट इज अमेजिंग, ये कॉन्सेप्ट न्यू है इंडियन सिनेमा में. तो इन सारे मूवीज़ हमेशा मेरे को पता ही सोच के बाहर है. जैसे कि फाइटर भी अगर देखें तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, बॉक्स ऑफिस में उतना धमाल नहीं मचा पाया जैसे कि दूसरे मूवीज़ एक परफॉर्म किया. जैसे कि एनिमल की बात किया, दूसरे मूवीज़ की बात किया, उतनी हद तक परफॉर्म नहीं कर पाई. अब ये इस मूवी का भी हाल जो कलेक्शंस देखकर दिल दुख हो रहा है एज अ फैन. तो अक्सर हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है वगैरह वगैरह करके. अब मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप आउटसाइडर यानी विद्युत जैसे टैलेंटेड एक्टर को अगर आप नहीं सपोर्ट करते थिएटर में जाके, तो इसमें इंडस्ट्री वालों का क्या हाथ है? मतलब अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी तो विद्युत को भी स्टारडम मिलेगा ना. अगर आप थिएटर में जाके सपोर्ट नहीं करोगे, सिर्फ यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक ही आपका सपोर्ट रखोगे तो ऑफकोर्स विद्युत विल बिकम डिसहार्डेंट. ऑफकोर्स अब मेरे को पता नहीं कि कितने फैंस ने जाके थिएटर में पिक्चर देखा या नहीं करके. अब फैंस भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं तो यही भरोसा करता हूँ कि फैंस ने जाके देखा होगा, मतलब एज अ जनरल ऑडियंस. अब आप कहते हो ना कि आउटसाइडरों को सपोर्ट नहीं मिलता ऐसा वैसा करके, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता, ऐसे मैं बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ विद्युत जमवाल के वीडियोस में कि यू डिज़र्व अ बेटर डायरेक्टर वगैरह वगैरह. अब मैं ये कहना चाहूँगा, ये पॉइंट रखना चाहूँगा कि अगर ऐसे मूवीज़ों में अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अनलेस एंड अंटिल यू सपोर्ट विद्युत इन दीज मूवीज़, तो विद्युत की स्टारडम और फैन बेस नहीं बढ़ेगी. लाइक अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस मूवी को अगर सपोर्ट करते, अगर इट हैड कलेक्टेड लाइक 200-250 crores प्रॉब्ली, इट शुड हैव बीन क्या बोलते हैं, क्रैक को एक ब्लॉकबस्टर मूवी का स्टेटस जरूर हासिल होता. तो इससे जाके क्या होगा, बड़े डायरेक्टरों और बड़े डायरेक्टर्सों को अट्रैक्ट करेगा कि विद्युत ने एक अच्छा स्टेटस हासिल कर लिया है, अब हम इन्हें कास्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है. लाइक अगर पब्लिक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बड़े डायरेक्टर्सों को कैसे फेथ होगा कि विद्युत को कास्ट करने से उनके फिल्म को फ़ायदा होगा या नहीं करके. ये इसी बेसिस पे चलता है. अगर स्टारडम बढ़ाएंगे, स्टारडम अगर कैसे बढ़ेगा, ऑडियंस के थ्रू ही बढ़ता है. जैसे कि विद्युत भी क्या करेंगे, लाइक ही इज़ पुटिंग ऑल हिज एफर्ट्स, he's producing his own films because he's not getting opportunity, that's one thing. But if he's taking such a lot of effort to make a movie take an action to next level, so what as in you audience are doing, you audience aren't supporting the talent basically. ab isme bhi ye picture mein kya aap nikal rahe ho, logic nahi hai wagera wagera karke. ab for example ab jitni bhi movies jo ki recently jo hai acha khasa blockbuster sabit hui, jaise ki for example animal movie mein ऑलमोस्ट लाइक 950 crores उस मूवी ने कमाया था. इसका मतलब नहीं कि उस मूवी में सिर्फ 100% लॉजिक भरी पड़ी थी, उसी वजह से हिट हुआ, ऐसा नहीं है. जैसे कि अब उनके एक्टर जो रणबीर कपूर जो कि एक बढ़िया एक्टर हैं, मैं भी उनकी एक्टिंग का फैन हूँ. इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एक्टिंग, स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह. अब रणबीर कपूर की एक स्टारडम भी है ना, उस स्टारडम उन्होंने कैसे हासिल किया, थ्रू द सपोर्ट ऑफ द ऑडियंस. ठीक है, अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर
विद्युत जम्वाल अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, जैसे कि अब तो एक डिसेंट एक्टर हैं कहूँगा। व्हेन इट कम्स टू स्टंट्स ही स्टंट्स इन एक्शन ही इज अनमैचेबल ऑफ कोर्स। अब उनका एक्टिंग प्रोविस भी वो अगर बड़े एक्टर्सों के मैच में हो जाते हैं, फिर भी आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे। ये एक सिंपल फंडा है, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड पर्टिकुलर स्टार एज एन इमेज ऑन योर माइंड एंड यू जस्ट वॉन्ट टू सी दोज एक्टर्स अलोन। एंड अगर कोई नया एक्टर कुछ अच्छी चीज़ों को लाता है तो वो आप देखने के लिए राजी नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट बिकम अ फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। यही एक चीज़ है। अब विद्यु जम्वाल से अगर आप पूछोगे तो ही वुड बी हैप्पी विद द सपोर्ट शवर्ड बाई हिज फैंस, पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे, अगर आप फैन नहीं बनोगे, तो ऑफकोर्स उनका जो मेहनत है वो वेन में ही जाएगा, नुकसान में ही जाएगा। अब मैं एज इन फैन जितना भी विद्यु जम्वाल जी को एंडोर्स करूँगा, आप नहीं बाई करोगे। अब एक्चुअली जो नेपोटिज्म हो रहा है वो सिर्फ आप लोग कर रहे हो, एज इन यू ऑडियंस आर डूइंग नेपोटिज्म रादर द इंडस्ट्री पीपल। ये मैं क्या कहूँगा। अब आप कहोगे ना, आप कुछ लोग कहते हैं ना लाइक विद्युत को पठान 2 में होना चाहिए, वॉर 2 में होना चाहिए, सॉरी वॉर 3 में होना चाहिए, धूम 4 में होना चाहिए। अब ये सब कैसे हो सकता है ये सोच के देखिए। अनलेस एंड अनटिल अगर आप एटलीस्ट एक मूवी अगर आप हिट नहीं करवा रहे हो एज अ फैन या एज अ सपोर्टर विद्युत के, तो क्या मायने रखता है जो भी आप लोग सोशल मीडिया पे सपोर्ट दिखाते हो, उतना तक ही दिखाते हो, थिएटर्स तक जाके आप नहीं देखते मूवी को, तो कैसे डायरेक्टर्स जो बड़े डायरेक्टर्स विद्युत को कास्ट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल यू शो सपोर्ट एंड गिव हिम द क्रेडेंशियल दैट ही हैज़ हैड अ सक्सेसफुल मूवी, तो कैसे होगा, नहीं होगा। और बहुत सारे लोग, मैं जो नेगेटिव रिव्यूज़ की अगर बात करूँ, देख रहा हूँ कि आई मीन लॉजिकलेस मूवी और स्टोरी नहीं है ऐसा वैसा करके। अब मैं वापस आपसे ये कहूँगा कि जितनी भी मूवीज़ आई हैं ना, उन सारे मूवीज़ों में 100% लॉजिक से भरा पड़ा नहीं होता है, इसी वजह से मूवी जाके ब्लॉकबस्टर स्टेटस इसीलिए नहीं हासिल करती है। बट कि एक्टर का जो स्टारडम होता है उसी वजह से और फैन बेस होता है उसी वजह से वो मूवीज़ चलती हैं। और मेरा जो ये है कि मूवीज़ को अगर आप जब भी मूवी देखने जाते हो तो लॉजिक को हमेशा साइड पे रखें, और मूवी में जो फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें ना देखें, मूवी को एक मूवी के तौर पे देख के जाएँ थिएटर को। और मूवी का मेन मकसद होता है एंटरटेन करना ऑडियंस को, ठीक है। अब जो कि इकराक की मूवी की अगर बात करें तो इट्स प्योरली एन एक्शन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जॉनर बेस्ड मूवी, तो इसमें आप लॉजिक ज़्यादा नहीं देख सकते, ठीक है। उसमें जो एक्शन स्टंट्स जो कि परफॉर्म किए गए हैं, एंड इफ़ यू आर एक्शन लवर यू शुड नॉट रिग्रेट इट, बिकॉज द एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म बाई इंटरनेशनल एथलीट्स एज वेल एज विद्युत जम्वाल हिमसेल्फ, हु इज़ एन एलीट इन टर्म्स ऑफ एक्शन, एंड ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू लव वॉट एवर एक्शन ही हैज़ परफॉर्म। एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगेन द एंटायर ऑडियंस, इवन इफ यू आर नॉट फैन ऑफ विद्युत जम्वाल, प्लीज गो एड एंड वॉच दिस मूवी इन सिनेमा थिएटर्स एंड सपोर्ट विद्युत जम्वाल, सो दैट ही इज नेक्स्ट ही गेट्स कास्टेड इन बिग बैनर्स, बिग प्रोडक्शन बैनर्स, एंड प्रॉब्ली ही गेट्स अ मोर बिग प्रोजेक्ट एज वेल एज ही गेट्स टू शोकेस हिज स्किल्स टू हिज फुलेस्ट पोटेंशियल, एंड ही इज देन डायरेक्टेड बाई टॉप डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया। ये मेरा एक विश होगा, मैं यही चाहता हूँ कि विद्युत जम्वाल को जो डिज़र्व करते हैं उनको मिले, ठीक है। एंड माई रेटिंग फॉर द मूवी इज़ 5 stars आउट ऑफ 5 stars। थैंक यू। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ही मैं बोलूँगा, जैसे कि उसके लिए मार्क्स मेरा जो रिव्यू है जो कि मेरा स्टार रेटिंग है वो मैं नहीं काटूँगा। जैसे कि लुक, विद्युत का ये जो लुक है इस मूवी में थोड़ा बेहतर हो सकता था, मतलब प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको कमांडो में देख के वो जो स्मोल्डरिंग लुक्स में जो थे वो कमांडो सीरीज़ में, वो लुक के हिसाब से ये लुक उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को पर्सनली एज अ विद्युत फैन। तो द प्रेजेंटेशन ऑफ द लुक कुड हैव बीन बेटर, यही ये एक जो नेगेटिव मैं देखता हूँ इस मूवी का। अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स वॉज गुड फॉर मी। अगर मेरा डिटेल रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक डालिएगा। धन्यवाद।